Hello my dear students, I am your chemistry master teacher. Welcome to my channel. Today we will continue the third chapter of NCERT class 10th. Metals and non-metals. Physical properties of metal. जो metals की physical properties होती हैं उनको पता करने के लिए हम कुछ activity perform कर रहे हैं. First activity है टेक सैम्पल्स ऑफ आयरन कॉपर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैम्पल. हमने सैम्पल्स कितने लिए हैं 4 आयरन कॉपर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का. फिर उनके सरफेस को हमने रब किया है विद द हेल्प ऑफ ए सैंड पेपर. ऑब्जर्वेशन द सरफेस ऑफ मेटल इज डल बिकॉज दे आर कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ गैसेज प्रेजेंट इन द एयर. जो भी मेटल की सरफेस होती है वो डल होती है क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर बनी होती है. जब वो मेटल गैस के साथ रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर एक लेयर होती है जो कि ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट किसी की भी हो सकती है. व्हेन द सरफेस इज रफ विद सैंड पेपर द लेयर रिमूव्स एंड अ शाइनी सरफेस अपीयर. तो वो लेयर रिमूव हो जाती है और हमें वो शाइनी सरफेस दिखने लगती है. कंक्लूजन मेटल In the pure state, have a shiny surface. This property is called metallic luster. That means के metal जो pure state में होता है तो उसकी shiny surface होती है. ये property उसकी metallic luster कहलाती है. What is metallic luster? Luster means shine or brightness. Generally all metals have a shiny surface. That means के metal की जो first property है वह है के मेटलिक लश्चर होता है. डेट मीन्स के मेटल्स लश्चरस होते हैं. एक्टिविटी 3.2 टेक स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन कॉपर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद द शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन. इसके अंदर हमने 4 सैंपल लिए हैं आयरन कॉपर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का. उन्हें नाइफ की हेल्प से हमने कट किया है. एक और हमने सैंपल लिया है सोडियम का. ऑब्जर्वेशन 4 मेटल्स आयरन कॉपर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम आर फाउंड टू बी कट विद डिफ़िकल्टी. यानी ये जो 4 मेटल्स हैं वो इजीली कट नहीं हो रहे हैं. दैट मीन्स दिस शोज दैट मेटल्स आर हार्ड. कंक्लूजन हार्डनेस वेरी फ्रॉम मेटल टू मेटल. ये मेटल्स कट नहीं हो रहे, उसके अपोजिट सोडियम है वो इजीली नाइफ से कट हो जाता है. यानी कि हार्डनेस जो है वो मेटल टू मेटल वेरी करती है. तो मेटल्स की सेकंड प्रॉपर्टी क्या हुई कि मेटल्स आर हार्ड. एक्टिविटी 3.3 टेक पीसेस ऑफ आयरन जिंक लेड एंड कॉपर. यहाँ पे हमने लिए आयरन जिंक लेड एंड कॉपर लिए. इसमें से कोई भी एक मेटल को हमने आयरन की ब्लॉक पे रखा और स्ट्राइक किया 4 or 5 टाइम्स हैमर से. यही सेम प्रोसीजर हमने अदर मेटल्स के साथ रिपीट किया और फिर हमने उनमें चेंज देखा. ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स दैट इज़ दे आर मेएबल. यानी जब उन्हें हम मेटल को हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो वो अगर थिन शीट में चेंज हो गए डैट मीन्स उसकी वो क्या प्रॉपर्टी हुई मेएबल. वन मेटल हैज़ मेएबिलिटी डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेटल. तो मेटल की थर्ड प्रॉपर्टी हुई कि मेटल्स आर मेएबल. एक्टिविटी 3.4 कंसिडर सम मेटल्स सच एज आयरन कॉपर एल्यूमिनियम एंड लेड. इसमें हमने लिए आयरन कॉपर एल्यूमिनियम और लेड. ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन वायर्स ऑफ आयरन कॉपर एंड एल्यूमिनियम हमें डेली लाइफ में इजीली दिख जाते हैं. दैट शोज के मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. वायर्स में उन्हें चेंज किया जा सकता है. तो ये मेटल की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हुई कि मेटल्स आर डक्टाइल. तो डक्टिलिटी क्या हुई प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ मेटल कैन बी ड्रॉन इन टू थ्रिन वायर इज नोन एज डक्टिलिटी. एक्टिविटी 3.5 इसके अंदर हम आयरन या कॉपर वायर में से कोई भी लेंगे और उस वायर को हम स्टैंड पे लगा देंगे. उस पे हम फिक्स करेंगे एक पिन विद द हेल्प ऑफ ए वैक्स. फिर हम हीट करेंगे वायर विथ अ स्प्रिट लैम्प और एक कैंडल बर्नर कुछ भी ले सकते हैं हम.
What do you observe after some time? ये इसका अरेंजमेंट है, ये हमारा फ्री एंड है वायर का, ये वायर है मेटलिक वायर, उसमें पिन हमने लगाई विद द हेल्प ऑफ वैक्स। हमने ये कोई भी बर्निंग ऑब्जेक्ट ले सकते हैं आप, यहाँ पे बर्नर लिया है। अब है ऑब्जर्वेशन। इट इज़ ऑब्जर्व डेट द वायर ऑफ ए क्लिप इज हीटेड एंड आफ्टर सम टाइम द फिन फॉल्स डाउन। दिस शोज डैट हीट फ्लोज थ्रू द वायर एंड मेल्ट द वैक्स। मतलब जब हमने उसे हीट किया तो जो हीट है वो वायर से फ्लो करी और उसने वैक्स को मेल्ट किया, जिससे वैक्स मेल्ट हुआ तो पिन नीचे गिर गई। द वायर डज नॉट मेल्ट इवन आफ्टर हीटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। यानी हमने उसे ज़्यादा देर किया ही तब भी वो मेल्ट नहीं हुआ। कंक्लूजन, हीट फ्लोज थ्रू वायर, देयरफॉर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एज द वायर डज नॉट मेल्ट ऑन लॉन्ग हीटिंग। एक्टिविटी 3.6, इसमें हमने एक सर्किट सेटअप किया है और दो टर्मिनल्स हैं ए एंड बी। उन टर्मिनल्स के बीच में हम जो भी मेटल हमें टेस्ट करना है उसे प्लेस करेंगे। फिर हमें देखना है कि बल्ब जो है वो ग्लो करता है या नहीं। ये इसका अरेंजमेंट है। यहाँ पे हमने दो टर्मिनल्स हैं ए एंड बी, उसके बीच में हम मेटल इंसर्ट करें। ऑब्जर्वेशन, द बल्ब ग्लोस, दैट मीन्स के मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विच आर द चार्ज कैरियर। उनकी जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी वाली, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाली, वो होती है इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हुई कि मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल्स आर हार्ड, मेबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी उसकी क्या है, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने ये एक्टिविटीज परफॉर्म करके फाइंड की। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। Thank you.